खबर उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती से है, जहां श्रावस्ती पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि दो चोरी की गई बाइकों के साथ दो अभियुक्तों को श्रावस्ती पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मिली जानकारी के मुताबिक रात्रि को चौकी प्रभारी भंगावा क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम के देखरेख में क्षेत्र रोकथाम अपराध की चेकिंग संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग है क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि तभी मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि कुछ दिन पहले बहराइच शहर से चोरी की गई दो मोटरसाइकिल एक पल्सर एक सुपर स्प्लेंडर को दो व्यक्ति लेकर नेपाल बेचने जा रहे हैं। इसी सूचना पर बहराइच की तरफ आने वाले सभी वाहनों की चेकिंग की जाने लगी। तभी जनपद बहराइच की तरफ से दो मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी, जिन्हें रोका गया। मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम बताया, मोहम्मद खालिद पुत्र औलाद हुसैन निवासी लक्ष्मण नगर थाना सोनवा जनपद श्रावस्ती। वही दूसरे युवक ने शाहिद अली पुत्र हबीब निवासी ग्राम सिसवा थाना भिनगा जनपद श्रावस्ती बताया। दोनों व्यक्तियों के पास बरामद मोटरसाइकिल एक पल्सर और एक सुपर स्प्लेंडर हैं। स्प्लेंडर में लगे नंबर प्लेट व ई चालान ऐप के माध्यम से चेक करने पर प्रदर्शित होने वाले रजिस्ट्रेशन नंबर में भिन्नता पाई गई। दोनों व्यक्तियों के पूछताछ करने पर उन लोगों ने बताया कि उनके द्वारा उपयुक्त दोनों मोटरसाइकिल बहराइच शहर से चोरी की गई है, जिसे नेपाल बेचने ले जा रहे थे। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली भिनगा पर मुकदमा संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की जनपद श्रावस्ती से रही, जहां पर चोरी की गई दो बाइक समेत दो लोगों को श्रावस्ती पुलिस ने गिरफ्तार किया है।